हेलो व्यूवर्स, मैं मोहम्मद दानिश स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट साइंस एंड न्यूज में। 14 जून को अपने घर पर सुसाइड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। अब इसको लेकर के मुजफ्फरपुर में एक केस दर्ज किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ उनके फैंस ने बॉलीवुड के कई अभिनेता और निर्माता के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के कोर्ट में सलमान खान, करण जौहर और निर्माता और निर्देशक समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार, जिन्होंने केस दर्ज किया है, उनके अनुसार यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। उन्होंने करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, सलमान खान, एकता कपूर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी के धारा 306, 109, 504, 506 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि जिस तरह से सुशांत को साथ साथ फिल्मों से हटाया गया और जिस फिल्म का निर्माण हो चुका था उसके रिलीज पर रोक लगाया गया और जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनरों ने उनका बॉयकॉट किया, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए और बाद में सुशांत ने ऐसा कदम उठाया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है। आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर सीबीआई जांच की मांग पहले से ही चल रही है और अब ये केस दर्ज कराया गया है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में सुसाइड कर लिया था। उनका पोस्टमार्टम मुंबई के कुवर हॉस्पिटल में किया गया था, जिसमें मौत का कारण फांसी बताया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि सुशांत सिंह पिछले 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे और उनका इलाज चल रहा था। अब उनके मौत के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। लोगों ने बॉलीवुड के निपोटिज्म के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।